बैठ करके अगर आप पानी पीना चाहोगे तो आप पानी नहीं पी पाओगे, पानी आपके ऊपर पूरा स्पिल होने वाला है। यहाँ पर मैंने इसे फुट से प्रेस किया एंड यहाँ पानी आना चालू। कैसा लग रहा है पहला एक्सपीरियंस आप लोग को? थोड़ा डरा हुआ, बहुत ज्यादा कंजस्टेड लग रहा है ये चीज। ये केबिन टाइप कैसा लग रहा है जो आपस में मिल जा रहे हैं। अच्छा, एक न्यू चीज देखने को मिली है जो कि है यहाँ पर यूएसबी पॉइंट। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यार मैं घर पर बाथरूम यूज कर रही हूँ या फिर कोई होटल वगैरह में। दो इंसान एक साथ जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा, ये है प्रॉब्लम इसमें। तो गाइस आज की हमारी जर्नी होने वाली है 18615 प्रिया योगा एक्सप्रेस में, जो कि हर रोज रात के 9:30 बजे खुलती है हावड़ा स्टेशन से और अगले दिन सुबह 6:30 बजे पहुंचाती है हटिया स्टेशन। तो इस ट्रेन से हम लोग 417 किलोमीटर कवर करने वाले हैं 7 हॉल्ट के साथ 9 घंटे में। आज का हमारा कोच है इसी 3 टियर इकोनॉमी में M1 15/16 साइड अपर एंड साइड लोअर। मुझे पता है आप लोग यार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अंदर का इंटीरियर देखने के लिए, तो चलिए अब आपको इंटीरियर दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि 3rd AC और 3rd इकोनॉमी में कितना डिफरेंस पड़ता है। दोस्ती के साथ यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मिरर देखने को मिलता है, एक वॉश बेसिन। इसमें खास ये है कि यहाँ पर यार कुछ भी खोलने बंद करने के लिए नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि आपका फुट से ऑपरेट होता है। ये देखो यहाँ पर मैंने इसे फुट से प्रेस किया एंड यहाँ पानी आना चालू। नीचे में डस्टबिन है, ये देखो इस साइड में फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए स्पेस है, यहाँ पर है डस्टबिन। यहाँ पर हैमर दिया गया है फॉर इमरजेंसी, एक सिक्योरिटी कैमरा यहाँ पर भी है एंड एक यहाँ पर। तो यार हर तरफ से इसे सिक्योर किया गया है और कोच स्टाफ के लिए यहाँ पर सीट दिया गया है। यहाँ बॉटल होल्डर है जो कि काफ़ी अलग तरीके का है, एकदम ही अलग यूनिक सी डिज़ाइन है। चलिए अब आपको कोच के अंदर दिखाया जाए। 18615 है। यहाँ पर स्लाइडिंग डोर दिया गया है और ये देखिए 3rd इकोनॉमी कोच का व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा है, काफ़ी ज़्यादा अलग है एंड डिज़ाइन यार सुपर्ब। क्या क्या चेंजेस हैं वो आपको दिखाते हैं। ऊपर में यहाँ पर रड्स दिए हुए होते थे, उसको अब हटा करके यहाँ पर फाइबर दे दिया गया है, क्योंकि रड्स में होता क्या था स्पेस रहता था, सामान वगैरह नीचे गिर जाता था। अब ये फाइबर की वजह से सामान जो भी आप रखोगे आराम से ऊपर सेफ रहेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह के कॉटन्स दिए गए हैं सन से प्रोटेक्शन के लिए। शताब्दी जैसा ही है, बस ऊपर का डिज़ाइन थोड़ा सा हमको शायद अलग लग रहा है। हाँ, ये वाला चीज़ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इवन ये वाला जो एरिया है जिसमें सामान वगैरह हम लोग रख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का दिया गया है। डिज़ाइन इसका काफ़ी पसंद आया मुझे, दोनों साइड ही ये दिया गया है। यहाँ पर पावर सॉकेट है, ये आपका लाइट का। नेक्स्ट यहाँ स्टडी लाइट है और साथ ही एक न्यू चीज़ देखने को मिली है जो कि है यहाँ पर USB पॉइंट मोबाइल चार्जिंग के लिए और मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर स्पेस। ये मिडिल वाले सेक्शन का है, नीचे वाले सेक्शन के लिए यहाँ पर देखो ये वाले जब उठाएंगे तो दिख जाएगा आपको। ये देखो यहाँ पर दिया गया है नीचे वाले सेक्शन के लिए, रख दूँ काफ़ी हैवी है यार। एंड सेम थिंग इस साइड भी है। वाटर बॉटल का जो होल्डर है वो भी काफ़ी यूनिक है, ये देखो है ना काफ़ी कमाल का। नीचे साइड में पहले यहाँ पर पानी का बॉटल का एरिया दिया जाता था, अभी यहाँ पर दिया गया है और इसको फोल्ड करने का तरीका कुछ इस तरह का है। यहाँ पे नीचे को इसको थोड़ा सा पुल करो और ये आराम से बंद हो जाएगा, इस तरह खींचो लॉक। पानी का बॉटल के लिए भी स्पेशल सेक्शन दिया गया है। इकोनॉमी में पहली बार। कैसा लग रहा है पहला एक्सपीरियंस आप लोग को? थोड़ा डरा हुआ हल्का कंजस्टेड है ना? हाँ, क्योंकि हम लोग दो सीट मैंने दोनों का हाफ लिए हुए है ना। अच्छा, तो इसका वजह से अभी लग रहा सीट मैंने कहा दोनों। हाँ, ये चौड़ाई जो है ये थोड़ी सी छोटी है, ये चीज मैंने भी नोटिस छोटी है। ये केबिन टाइप कैसा लग रहा है जो आपस में मिल जा रहे। अच्छा, तो यही चीज है, सीट बढ़ाया गया तो इस वजह से इस चीज को छोटा कर दिया गया है। 83 किया गया है। नॉर्मली 3rd AC में 72 सीट्स होते हैं, इसमें 11 सीट बढ़ा के 83 किया गया है और ये बस वाकई सही है यार। ये जो एरिया है ना ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब एंड इवन ये लेग स्पेस वगैरह भी काफ़ी छोटा है। इस साइड का भी यही चीज़ फील हुआ और नीचे में ये जो आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन पट्टी ये है रेडियम वो लाइट जब ऑफ होगा ना तो हल्का वो लाइट अप रहता है ग्रीन कलर का। और वहाँ पे भी ये जो नंबर है ना ये भी आई थिंक वही है। तो चलिए हम आपको अपर सेट दिखाते हैं कि अपर सेट 3rd AC एंड 3rd इकोनॉमी में क्या अंतर है।
ये चीज तो थोड़ा सा दिक्कत है, उठ के बैठ करके अगर आप पानी पीना चाहोगे तो पानी नहीं पी पाओगे, पानी आपके ऊपर पूरा स्पिल होने वाला है। ये जो है ना नेक पूरा दर्द होगा, बहुत बहुत ज्यादा कंजस्टेड लग रहा है ये चीज। इस साइड देखते हैं थोड़ा सा सो करके अगर तो हल्का सा भी आप उठ नहीं पाओगे। यार थर्ड एसी से भी ज्यादा ये वाला चीज कंजस्टेड कर दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहे। थर्ड एसी वाला जो कोच होता है उसमें तो फिर भी हल्का सा उठ भी पाते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं। इसके अलावा ऊपर में भी यहाँ पर स्टडी लाइट का ऑप्शन है, साथ ही मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी पॉइंट है, यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए होल्डर है, इस साइड में यहाँ पर वाटर बॉटल होल्डर है। कुछ इस तरह से चढ़ने उतरने के लिए दिया गया स्पेस। और ये डॉल को किसने रख दिया है यहाँ? यहाँ बाबू डॉल को झूला चला रही है। जो डॉल गिर गई। ऊपर में यहाँ पर वॉशरूम इंडिकेटर दिया हुआ है, सिक्योरिटी कैमरा, स्मोक डिटेक्टर, पर एलसीडी स्क्रीन है जो कि अभी यार फिलहाल तो ऑन नहीं हुई है। ऊपर में भी लाइट्स आपको बहुत ही यूनिक तरीके की देखने को मिलती है। ये देखो एसी के पास कुछ ऐसा एरिया देखने को मिलता है जो कि यार बहुत ज़्यादा यूनिक है, अभी तक मैंने किसी ट्रेन में नहीं देखा है। इसका अपर सेट साइड अपर सही है, अगर आप थोड़ा सा आगे होके बैठोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। अपर वाले में आई थी दिक्कत, पर इसमें नहीं है। सीट तो बढ़ गया है बट देखो कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, अगर दो इंसान एक साथ जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा, ये है प्रॉब्लम इसमें। ये एरिया काफ़ी छोटा है, एक बार में एक ही जन जा सकते हैं। नीचे वाले वाटर बॉटल होल्डर नहीं है, ऊपर है। ये बात अभी दिखा मुझे, ऊपर में बस वहाँ पर दिया गया, नीचे में नहीं है ये चीज। बात करें इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की तो इसमें है 2 जनरल, 7 स्लीपर, 3 थर्ड इकोनॉमी, 5 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी। अब बता देती हूँ आपको थर्ड इकोनॉमी एंड थर्ड एसी के प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो यार थर्ड एसी का प्राइस है 695 रुपीज़ और थर्ड इकोनॉमी का है 635 रुपीज़। प्राइस डिफरेंस तो मात्र 60 रुपये है, मगर आपको इस इकोनॉमी कोच में कोई भी लिनन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई पिल्लो नहीं, बेडशीट नहीं, कुछ नहीं। और इसका रीज़न एक यही है कि यहाँ पर आपको एसी को अपने अकॉर्डिंग स्विच करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपने अनुसार घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो इसी रीज़न की वजह से इसमें लिनन को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। टाइम हो गया 9:30, हमारी जो ट्रेन है हावड़ा के 22 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट हो रही है। हावड़ा का जो स्टेशन है ना डायरेक्ट ओवर ब्रिज से कनेक्टेड है, बड़ा यूनिक सा स्टेशन है। डायरेक्टली आप स्टेशन पे कार लेकर आओ, कार को ऊपर से इस तरह कनेक्ट हो जाएगा ये ओवर ब्रिज से, गाड़ियाँ जाती हुई भी आपको दिख रही होंगी। वॉशरूम दिखा देते हैं, ये वाले वॉशरूम में यार पूरा देखो लबालब पानी भरा हुआ है, ये इंडियन स्टाइल है, पूरा लबालब वाटर है। वेस्टर्न स्टाइल अगर देखें तो ये तो खैर क्लियर है। एंड यहाँ पर ये जो मिरर एरिया है काफी बड़ा सा है और ये चीज मुझे काफी यूनिक लगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यार मैं घर पर बाथरूम यूज कर रही हूँ या फिर कोई होटल वगैरह में हूँ। यहाँ पर भी आपका लेग से टैप एरिया ऑपरेट होगा, यहाँ हैंड वॉश दिया गया है जो कि फिलहाल आई गेस कोई है नहीं। यहाँ पर लाइट है, नेपथलिन बॉल्स डाल के रखा गया है, बस बाकी ये प्लस एरिया बाकी बाथरूम्स की तरह ही है। तो यार ओवरऑल काफी सही लग रहा है, मतलब कुछ अलग सा है। बहुत अच्छे ब्लॉग्स हैं आपके, थैंक यू सो मच। काफी सारे ब्लॉग्स देखा पटना से सर।
ओके नाइस टू मीट यू. आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली हूँ बिहार से, रहता ही हूँ कोलकाता में. ओके आपको सब्सक्राइबर हूँ मैं. अभी आया है हमारा फर्स्ट हॉल्ट मेचेदा. यस श्योर, डोंट वरी, 5 मिनट्स टाइम में आप आराम से चढ़ा सकते हो. टाइम रुकता नहीं है इसलिए. नहीं नहीं, 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर. 5 मिनट का स्टॉप रहता है इस ट्रेन का. और ऐसे तो अराइवल टाइम 10:20 का था, फिलहाल टाइम 10:23 हो रहा है. 3 मिनट लेट पहुँची है ट्रेन. स्टेशन कोड है यहाँ का MCA और ये पड़ता है हावड़ा खड़गपुर लाइन में. थर्ड इकोनॉमी का एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये जो फुट वाला एरिया है ना, ये वाले को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया ताकि यहाँ पर आराम से पैर रखा जा सके. अदरवाइज होता क्या था ना कि दोनों पैरेलल रहता तो यार बहुत दिक्कत होती थी पैर रखने में, उतरने में. बट अब जाके ये सही है. 10:25 जो कि एग्जैक्ट टाइम है मेचेदा से डिपार्चर का, उसी टाइम पर ही ये डिपार्ट कर रही है. मतलब सिर्फ 2 मिनट ही रुकी गाड़ी, क्योंकि लेट पहुँची थी ना 3 मिनट इस वजह से. चार नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइवल हुआ था प्रिया योगा का. इसमें तो हम लोगों को कोई भी लिनन वगैरह नहीं मिलेगा, इसलिए मैं घर से लेकर ही आई थी ताकि आराम से उड़ करके सोया जा सके. स्टेशन पास हो रहा है, ये चीज़ सही है. आराम से चाहेंगे तो भी से इसको लगा देंगे. ट्रेन अभी फ़िलहाल चल रही है 108-110 की स्पीड पर. बीच में 120 भी गई थी. स्पीड काफ़ी सही मेंटेन की हुई है. कोच की लाइट्स ऑफ हो गई हैं, सभी लोग सोने जा रहे हैं. टाइम भी काफ़ी हो गया है. मैं भी बस वेट कर रही हूँ खड़गपुर स्टेशन आने का. अभी रात के हो रहे हैं 11:09. इस ट्रेन के यहाँ पर पहुँचने का टाइम था 11:15. ट्रेन जो है 6 मिनट बिफोर ही अराइव हो चुकी है स्टेशन पर. 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइवल हुआ है इसका. प्रिया योगा का ऑफिशियल हॉल्ट 5 मिनट का है. इस स्टेशन का कोड है KGP और अब तक हम लोगों ने 114 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है. खड़गपुर जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर है हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, हावड़ा चेन्नई लाइन, बांकुड़ा आद्रा लाइन, आसनसोल टाटानगर लाइन और खड़गपुर पूरी लाइन. तो इन्हीं सारे रीजन्स की वजह से खड़गपुर जंक्शन है. और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है 12. इंडिया का चौथा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भी खड़गपुर में ही है, क्योंकि पहला अब हुगली जंक्शन हो चुका है, दूसरा गोरखपुर है, तीसरा कोल्लम है एंड चौथा खड़गपुर. इसके साथ ही यार खड़गपुर IIT के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है. सबसे पुरानी सबसे पहली IIT खड़गपुर यही है. टाइम हो गया 1:20 एंड ऑन टाइम खड़गपुर से डिपार्चर हो रहा है अब.
प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अराइव हुई थी ट्रेन। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी जस्ट नींद खुली मेरी क्योंकि एसी वगैरह शायद ऑफ हुआ है, लोकोमोटिव चेंज हो रहा है मूडी में। अभी हम लोग मूडी पहुंचे हुए हैं, वो देखो आवाज़ भी आ रही होगी आपको लोकोमोटिव की। मूडी में से तो 4 बजे पहुंचने का टाइम है और 4:20 में खुलने का टाइम है, बट अभी टाइम देखो 4:31 हो गया है और लोकोमोटिव अभी जस्ट ही आई थिंक डिटैच हुआ है। इतनी थकान हुई है ना कि क्या बताऊँ, लगातार ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। मुझे लगता है कि मैं 55 घंटे से ट्रैवल कर रही हूँ लगातार। 55 घंटे में लगभग 6-7 ट्रेन मैंने कवर अप किया है, अभी एकदम नॉन स्टॉप करते गई करते गई करते गई, बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी है। मूरी से अब हो रहा है डिपार्चर, धीरे धीरे सवेरा भी हो रहा है। देखो नीला नीला आसमान दिख रहा है, काले काले बादल हट रहे हैं, बड़ा ही अलग सा फील होता है यार धीरे धीरे सुबह होते देखना। अब रांची पहुंचने वाले हैं, देखो सभी लोग पहुंच के बस रेडी हो रहे हैं। रात पर आदित्य अपर वाले सेक्टर सोया है, मतलब ये आउटसाइड अपर में, जानते हैं इसका एक्सपीरियंस। ठीक है, हम तो पतले दुबले इंसान हैं, तुम बताओ, हम तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। चलो सर ठीक था यार, आप क्या कर रही है इसका ये वीडियो बना रही हो अपने चैनल के लिए। तो यार प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हमारी ट्रेन आ चुकी है रांची स्टेशन में, जहाँ का स्टेशन कोड है RNC। यहाँ पर पहुँचाने का वक्त था 5:40 एंड अभी देखो 5:42 हो रहा है। धीरे धीरे रुकते रुकते 2 मिनट हो ही जाता है, 10 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज है, उसके बाद फिर ये ट्रेन जो है हटिया के लिए निकलेगी, जो कि यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर ही दूर है। बाद बाकी वीडियो कैसा लगा यार लाइक करके बताना, आप लोग सफ़र करना पसंद करोगे या नहीं इकोनॉमी में ये बताना, प्राइस डिफरेंस के बारे में क्या कहना चाहते हो सारी चीज़ें कमेंट में बताओ, और हाँ शेयर ज़रूर से करना।